आज हम बात करेंगे इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है। इंडिया में दो तरह का इलेक्शन होता है, नंबर एक डायरेक्ट इलेक्शन, नंबर दो इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में हर हिंदुस्तानी वोट दे सकता है। इसमें चार तरह के इलेक्शन होते हैं, नंबर एक लोकसभा इलेक्शन जिसे जनरल इलेक्शन बोला जाता है, जिसमें एमपी चुने जाते हैं फिर पीएम। नंबर दो स्टेट असेंबली इलेक्शन जिससे एमएलए चुने जाते हैं। नंबर तीन लोकल इलेक्शन जिसे म्यूनसिपलिटी इलेक्शन भी कहा जाता है और इसमें काउंसिलर चुने जाते हैं। नंबर चार पंचायत इलेक्शन। अब आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में। इनडायरेक्ट इलेक्शन में हर हिंदुस्तानी वोट डायरेक्टली नहीं देता, बल्कि आम आदमी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेता है जिसे एमपी कहते हैं, और वह पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं। अब इलेक्शन स्टार्ट कैसे होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वह इलेक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुँचाए। सुनील अरोड़ा जो कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने 2019 में इलेक्शन के बारे में बताया है। इस साल पूरे इंडिया में 7 दिन अलग अलग स्टेट में सीट के हिसाब से 11 अप्रैल से 19 मई तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और कुछ स्टेट में 4-5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। अब सारे इन्फॉर्मेशन अनाउंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिस्ट निकालते हैं जिसे इलेक्ट्रॉल रोल कहा जाता है। इस लिस्ट में जिनका नाम रहता है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, सिर्फ वोटर आईडी कार्ड काफ़ी नहीं। अब लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपके एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर तक वोटर स्लिप पहुँचा देते हैं, जिसमें दिया रहता है कि आपको किस पोलिंग स्टेशन में जाना है, किस दिन जाना है और किस वक्त जाना है, और इसमें और भी सारा इलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है। अब पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपना वोटर आईडी कार्ड और वोटर स्लिप पोलिंग ऑफिसर को दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको वोट देने मिलता है। उसके बाद आपका वोटर स्लिप जमा ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर इंक का मार्क लगा देते हैं। अब आपके सामने ईवीएम वोटिंग मशीन रहेगा और ईवीएम मशीन में सारे पार्टीज के नाम और उनके कैंडिडेट का नाम सिंबल रहेगा, और एक ऑप्शन रहता है जिसे नोटा कहते हैं, नन ऑफ द अबव। ईवीएम मशीन का राइट साइड में ब्लू बटन रहता है। अब आपको जिसको वोट देना है ठीक उसके पास वाला ब्लू बटन दबाना है। अब आपका वोट हो गया है। तो कुछ इस तरह इंडिया में इलेक्शन होता है।